पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रयागराज में छात्र संघ चुनाव में विजय हुई छात्र संघ कमेटी के शपथ ग्रहण समारोह में जाने से रुके अधिकारी साय अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय में पुलिस के कुछ अधिकारी रखी करके गए मेरे घर के पास। सरकार चलाने वाला साधु झूठ बोलकर हमें अराजक बता रहा है। ये देखो मुख्यमंत्री और के विरुद्ध अराजकता फैलाने के कितने हैं। उन्होंने कहा कि मेरे विरुद्ध एक भी केस पंजीकृत नहीं है और ये मुझे अराजकता फैलाने वाला बता रहे हैं। जहां मुझे जाने से रोका और मुख्यमंत्री उस विश्वविद्यालय ने उत्तर प्रदेश को न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि प्रधानमंत्री किए हैं। सही पूछो तो लोकतंत्र का गला घूंट कर सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री बौखला गए। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के युवाओं और जनता को केवल चुनाव घोषित होने का इंतजार है। मतदान में इन्हें ऐसा सबक सिखाएगी कि ये लोकतंत्र का गला घूंटना। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी धाराएं जल से धुलवाया था। उन्होंने दावा और ये धारा किस बात की लगी है? बचाने को 40-40 सीट का नुकसान उठाना उचित समझा। हमारा गठबंधन चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगा। वहीं बसपा मुखिया मायावती ने अखिलेश यादव को रोके जाने की खबर पर ट्वीट किया और कहा कि अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाने वाली पार्टी थोड़ी देर पहले मिले भी होंगे अधिकारी जो तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या का प्रतीक है जिसका खुलकर रात में एलआईयू के अधिकारी और उनके जितने सहयोगी हैं वो इस चुनाव को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के चुनाव को अपना चुनाव मान रहे थे। पूरी सरकार चुनाव लड़ रही थी, पूरे मंत्री चुनाव लड़ रहे थे और जब मुख्यमंत्री खुद जाते रहे होंगे इलाहाबाद तो कहीं ना कहीं निर्देश भी देते रहे होंगे कि यहां पर हार ना हो। क्योंकि याद है जिस समय गोरखपुर का छात्र संघ का चुनाव होने जा रहा था, जानबूझकर के अपने ही लोगों से बवाल करा करके, अपने लोगों से झगड़ा करा करके और गोरखपुर छात्र संघ का चुनाव नहीं होने दिया। इलाहाबाद का चुनाव हुआ, संपन्न हुआ। उस जीतने के बाद जब समाजवादी पार्टी के समर्थित या ये कहिए कि उस विचारधारा से जुड़ने वाले नौजवान वो जब जीत गया तो उसके हॉस्टल में आग लगा दी गई। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे वो स्वीकार नहीं कर पाए, हार अपनी स्वीकार नहीं कर पाए और खिसिया करके उन्होंने उसके हॉस्टल में आग लगा दी। सब कुछ जो उसका सामान था, मोटरसाइकिल या जितनी चीजें थी, वो सब की सब जला दी। ये तस्वीरें ही अखबारों की तस्वीरें हैं। उस समय जो अखबार निकले हैं वो उस समय के पत्रकार साथियों ने तमाम वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से उसके कमरे का सब सामान जला दिया, उसकी चारपाई जला दी, उसका सब कुछ सामान बर्बाद कर दिया। और अभी जब कार्यक्रम बिल्कुल करीब आ गया तो जहां पर मंच बना था वहां पर तीन बम चलाए गए और प्रशासन ने और सरकार ने न उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जिन्होंने छात्र संघ के नए अध्यक्ष जीतने के बाद उसके हॉस्टल का जितना कुछ सामान था जला दिया गया, न उनके खिलाफ कार्रवाई की और न ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जिन्होंने बम चलाए थे वहां पर। हम सरकार से जानना चाहते हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार कौन लोग थे जिन्होंने छात्र संघ के अध्यक्ष का कमरा जला दिया था और कार्यक्रम से पहले यूनिवर्सिटी परिसर में बम चलाए थे। सोचिए, लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं होता होगा कि कार्यक्रम होने जा रहा हो और प्रशासन भी इस बात की मदद कर रहा होगी बम फेंक आइए वहां पर जाकर। बम फेंके गए और आज जब मैं जाना चाहता था, मुझे जानकारी मिली है कि रात में कुछ अधिकारी रेकी करके गए मेरे घर की। रात में एलआईयू के अधिकारी और पुलिस के कुछ अधिकारी रेकी करके गए मेरे घर के पास आसपास और सुबह 6:30 बजे 3 अधिकारी बैठा दिए घर के पास। सुबह 6:30 बजे
मुझे लगा कि पता नहीं क्यों आए हैं ये। और जब मैं एयरपोर्ट निकला हूं, हालांकि एयरपोर्ट की परिसर में वो जा नहीं सकते, उत्तर प्रदेश की पुलिस एयरपोर्ट के परिसर में नहीं जा सकती, क्योंकि एयरपोर्ट की परिसर की सुरक्षा और उसका इंतजाम करने की जिम्मेदारी दूसरी फोर्स के पास है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की ताकत देखो आप, वो जाकर के अधिकारी, जब मैं हवाई जहाज में चढ़ने जा रहा था उस समय उन्होंने रोक लिया और चढ़ने नहीं देना चाहते, जाने नहीं देना चाहते। और फिर मुख्यमंत्री की भाषा सोचिए कि अराजकता फैल जाने जा रहे थे इलाहाबाद में, हिंसा फैलाने जा रहे थे, और समय समय पर सदन में भी उनकी भाषा सुनी है हमारे माननीय सदस्यों ने, उनकी भाषा है ठोकने वाली। अगर कोई पसंद नहीं है तो उसका इनकाउंटर कर दो, ये भाषा और ये व्यवहार है सरकार।